السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمة الناس बरावा हो मुस्लिम मोहतरम हजरात तकब्बुर ये एक मुसलमान के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम बतलाया है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि जिस इंसान के दिल में जर्रा बराबर भी तकब्बुर हो गुरूर हो बड़ाई और घमंड हो ऐसा इंसान अल्लाह की जन्नत में कभी दाखिल नहीं हो सकता तो एक सहबी रसूल ने सवाल कर लिया कि ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसम एक इंसान को पसंद है कि उसका कपड़ा अच्छे से अच्छा हो खूबसूरत हो उसका जूता बेहतरीन हो तो आप सल्लाम ने फरमाया कि बेशक अल्लाह रब्लम खूबसूरत है और व जमाल को पसंद फरमाता है तकबर यह है कि इंसान हक बात का इनकार कर दे और लोगों को हकीर समझे मोहतरम हजरात ये जो तकबुर है उसकी तारीफ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस रसूल में बयान फरमाई हमें तकबर की यह तारीफ इसलिए समझना है ताकि हमारे अंदर तकबुर का अदना जर्रा भी दाखिल ना हो सके और हम अपने आप को तकबर जैसे खतरनाक बीमारी से बचा ले जाए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अच्छा पहनना अच्छा ओढ़ना अच्छा खाना पीना अच्छी जिंदगी गुजारना यह तकबर नहीं है हर इंसान को अल्लाह आलमीन ने इख्तियार दिया है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे जैसी रोजी अता फरमाई है उस एतबार से वो अपनी जिंदगी को गुजारे अगर अल्लाह ने उसे मालदार बनाया है तो वो अपनी हर चीज को बेहतरीन और आलातरीन तरीन तौर पर गुजार सकता है ये तकबर नहीं है आपने तकबर की तारीफ फरमाई और उसमें दो चीजों की तरफ इशारा किया फरमाया अल्किब्रो बतरुल और आपने फरमाया तकबर यह है कि इंसान हक बात का इनकार कर दे एक इंसान के पास कुरान की आयत पेश की जाए हदीस रसूल बयान किया जाए एक इंसान किसी बुराई में डूबा हुआ है उसे अल्लाह रबालमीन की दीन की बात बता करके रुकने का हुक्म दिया जाए उसके नफ्स के खिलाफ अल्लाह की शरीयत का कोई कानून बयान किया जाए और इंसान अपने नफ्स के लिए इंसान अपने फायदे के लिए इंसान अपनी अना की वजह से कुरान और सुन्नत की बात को हक बात को रद्द कर दे उसे रिजेक्ट कर दे उसे ना माने उसे इनकार कर दे ये तकबर की पहली पहचान है कि इंसान के पास हक बात पहुंचे तो वो हक बात ना माने हक बात को इनकार कर दे ऐसे लोग मुतकबर हैं ऐसे लोग घमंडी हैं और ऐसे लोग अल्लाह की निगाह में मबबूज हैं तो आपके अंदर यह खराबी नहीं होनी चाहिए कि हक बात जब आए तो आप उसे ना माने बल्कि एक साहिब ईमान शख्स की तरह आपके पास जब भी किताब उस सुन्नत का पैगाम पहुंचे अल्लाह और इसका रसूल की बात पहुंचे तो आप आमन्ना और सद्दपना करके अपना सरे तस्लीम खम कर दें आप वसल्लम ने तकब्बुर की दूसरी पहचान बताई वम तस लोगों को हकीर समझना एक इंसान अपने मुकाबिल समाज में किसी भी शख्स को उसके गरीब होने की वजह से उसके बदसूरत होने की वजह से उसके जाहिल होने की वजह से उसके किसी भी आयब और नक्स की वजह से अगर उन्हें हकीर समझता है उन्हें कमतर समझता है उन्हें घटिया समझता है उन्हें अपने से नीचा समझता है तो ऐसा इंसान मुतकबर है तकबर की बीमारी उसे लगी हुई है और ऐसा इंसान अल्लाह की जन्नत से महरूम रहेगा तो आप ये दो बातें ध्यान में रखिए कि तकबर नाम है हक बात को ना मानना और लोगों को हकीर समझना लोगों को जलील समझना ऐसा इंसान मुतकबर है मैं अल्लाह रबुल से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तला हम सब को इस तकबुर जैसी खतरनाक बीमारी से महफूज रखे और इन दो चीजों का ध्यान रख करके हमें पूरी ज़िंदगी गुजारने की तोफ़ी फरमाए कि आप हमेशा हक बात को कबूल करने वाले बने और समाज के तमाम अफराद के साथ आपका सलूक बेहतरीन हो आप उन्हें अपने जैसा अपने बराबर और उनकी इज्ज़त एहतराम के साथ मिलें उन्हें कमतर और घटिया ना समझें मैं अल्लाह आलमीन से दुआ करता हूँ कि अल्लाह आलमीन हम सब को तकब्बर जैसी ख़तरनाक बीमारी से महफूज रखे आमीन व आईकम व वर्का